हिप्पो वर्सेस राइनो। अगर बात करें हिप्पो यानी कि हिप्पोपोटामस और राइनोसेरस की, तो ये दोनों ही जानवर देखने में काफी हद तक एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी दोनों का रहन सहन और खान पान में काफी अंतर है। लेकिन अगर बात करें इन दोनों जानवरों में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहां राइनो को दुनिया का दूसरा सबसे विशाल का जानवर ग्रुप में जाना जाता है, तो वही हिप्पो को भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा गया है। भैया ऐसे में क्या होगा जब दुनिया के दो सबसे विशाल काय और महारथी एक दूसरे के सामने आएंगे, कौन किस पर भारी पड़ेगा? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के थ्रू हम हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा और राइनोसेरस यानी कि गैंडे के स्ट्रेंथ और वीकनेस के आपस में तुलना करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों जानवरों में कौन ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले बात करते हैं हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़े की। हिप्पो ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है। धरती पर हाथियों और राइनोसेरस के बाद तीसरे नंबर का विशालकाय जानवर इन्हें ही माना जाता है। इस वक्त अफ्रीका, जोम्बिया और तंजानिया में मिलाकर धरती पर तकरीबन 150,000 हिप्पो मौजूद हैं। हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा ज्यादातर पानी और झील के आसपास रहना पसंद करते हैं। ये पानी के भीतर रहने के साथ ही पानी के बाहर भी आराम से रह सकते हैं। हिप्पो अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अपने ज्यादातर समय पानी के भीतर ही बिताते हैं। सिर्फ घास चढ़ने और भोजन की तलाश में ही ये पानी से बाहर आते हैं। नॉर्मली हिप्पो की उम्र तकरीबन 40 से 50 साल तक होती है। एक वर्ष हिप्पो का वजन तकरीबन 1500 किलोग्राम तक होता है और ये लगभग 30 किलोग्राम पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। दोस्तों हिप्पो को धरती का मोस्ट एग्रेसिव एनिमल के रूप में भी जाना जाता है। वैसे अगर बात करें शिकार करने की, तो हिप्पो अपने दुश्मन पर ज्यादातर अपने मुँह से ही अटैक करता है। ये अपने मोटे और भारी भरकम टांग की मदद से शिकार को दबोचता है और फिर अपने मुँह से उसे घायल करने की कोशिश करता है। वैसे तो हिप्पो मांस नहीं खाता है, लेकिन फिर भी काफी अटैकिंग नेचर का होता है और अक्सर दूसरे जानवरों से भिड़ बैठता है। वहीं अगर बात करें राइनोसेरस यानी कि गैंडों की, तो इन्हें धरती पर पाए जाने वाले हाथी के बाद दूसरा सबसे विशाल का जानवर के रूप में जाना जाता है। भले ही गैंडा बहुत ही विशाल का और पावरफुल होता है, फिर भी ये काफी शांत स्वभाव वाला होता है। ये ज्यादातर अफ्रीका के जंगलों में और इंडिया के जंगलों में पाया जाता है। अफ्रीकन राइनो और इंडियन राइनो में एक खास अंतर होता है, वो ये है कि अफ्रीकन राइनो के दो सिंह होते हैं, जबकि इंडियन राइनो के पास एक ही सिंह होता है। राइनोसेरस की स्किन काफी मोटी होती है, जो कि इन्हें दूसरे जानवरों के अटैक से बचाकर रखती है, साथ ही इन्हें वेदर के भी विपरीत प्रभाव से सुरक्षित रखती है। राइनोसेरस के पास दूसरे जानवरों पर अटैक करने के लिए काफी मजबूत हॉर्न्स हैं। इनके पास नुकीले दांत हैं और इनके पैर के पंजे भी अटैक करते समय उनके बहुत काम आते हैं। आपको बता दें कि राइनोसेरस के सींग के लिए इंसानों द्वारा इन्हें बड़ी संख्या में मारा जाता है। हालांकि इनके शिकार को इलीगल बनाया गया है, फिर भी लोग चोरी छुपे इसके सींग को हासिल करने के लिए राइनो का शिकार करते हैं। ब्लैक मार्केट में राइनो के हॉर्न की कीमत लगभग गोल्ड के बराबर होती है। एक वयस्क राइनो का वजन तकरीबन 1600 से 2400 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी लंबाई भी तकरीबन 11 से 15 फीट तक होती है। वहीं उसके हॉर्न की एवरेज लेंथ 90 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं ये लगभग 35 माइल पर आवर की स्पीड से भाग भी सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी राइनोसेरस काफी शांत रहते हैं और ये जंगल में सिर्फ पेड़ों की पत्तियां और घास आदि खाकर ही जिंदा रहते हैं। दोस्तों अब अगर बात करें राइनोसेरस और हिप्पोपोटामस की फाइट की, तो हम देख सकते हैं कि हर मामले में राइनोसेरस ज्यादा पावरफुल है। उसके पास ज्यादा विशालकाय शरीर है, हॉर्न्स हैं, नुकीले दांत हैं, मोटी स्किन है और लगभग 35 माइल पावर की स्पीड से भागने की क्षमता भी है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राइनोसेरस से पंगा लेना आसान नहीं है। लेकिन चूंकि हिप्पो बहुत ही एग्रेसिव नेचर का एनिमल है, ऐसे में राइनोसेरस के सामने आने पर वो जरूर उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। हिप्पो के पास अटैक करने के लिए सिर्फ उसका भारी भरकम शरीर है, जिससे वो दूसरे जानवरों को दबोचकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन राइनोसेरस से भिड़ते समय उसका यह हुनर काम नहीं आने वाला है। पहली बात तो राइनोसेरस की हाइट और वजन दोनों ही हिप्पो से ज्यादा है। ऐसे में हिप्पो किसी भी हालत में राइनोसेरस को अपने पैरों के नीचे नहीं ला सकता। हाँ, वो छलांग लगाते हुए राइनोसेरस को जमीन पर धराशायी करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन राइनोसेरस की स्किन बहुत मोटी होती है और उसके स्किन में अपने पंजे या दांत से अटैक करने के लिए हिप्पो को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि राइनो के पास तकरीबन 90 सेंटीमीटर लंबे हॉर्न है, जिससे अगर उसने एक बार भी अटैक कर दिया तो हिप्पो के स्किन को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही वो हिप्पो के ऊपर अपने पंजों से भी अटैक कर सकता है।
तब भी हिप्पो के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ओवरऑल डिस्कशन के बाद हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि हिप्पो और राइनो की फाइट में जीत हमेशा राइनो की ही होगी। आपके अनुसार इस फाइट में कौन जीतेगा और क्यों? दोस्तों ये हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय बाय बाय।